नमस्कार, मैं दिव्या, आप सभी का लोकवाणी में स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भिलवाड़ा से। भिलवाड़ा में सर्दी चरम पर है। हालांकि शनिवार को न्यूनतम तापमान में 6.8 डिग्री की बढ़त हुई, लेकिन सर्द हवा और दोपहर तक धुंध छाई रही। इस बीच बूंदाबांदी भी हुई। शनिवार को अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री दर्ज किया गया। दिन का तापमान तो दूसरे दिन भी 25 डिग्री पर रहा, लेकिन न्यूनतम तापमान में 6.8 डिग्री की बढ़ोतरी हो गई। सूर्य बादलों की ओट में ही रहा। इधर कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार भी कम हुई। मौसम विभाग के अनुसार हवा में नमी की मात्रा 76% तक रही, जबकि हवा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा की दर्ज की गई। अनुमान है कि दो दिन बादल छाए रहेंगे, इसलिए सर्दी कम रहेगी। शनिवार को मांडलगढ़ सहित कुछ क्षेत्रों में बारिश के कारण न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री और अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री तक दर्ज किया गया। रविवार को सवेरे 9 बजे तक अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम 14 डिग्री तक दर्ज किया गया। नए वर्ष में पहला पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है। इसके प्रभाव से अब आगामी 3 दिन तक हल्की बारिश के भी आसार हैं। हवा की दिशा पूर्व से दक्षिण पूर्व तक रही। मकर संक्रांति तक मौसम में कुछ खास बदलाव नहीं आएगा, लेकिन मकर संक्रांति के बाद मौसम में धीरे धीरे बदलाव आने लगेगा। इससे दिन में सर्दी का असर कुछ कम हो सकता है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इंस्पायर अवार्ड माने के लिए स्वामी विवेकानंद मॉडल राजकीय स्कूल से 3 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया। स्थानीय विद्यालय संस्था प्रधान डॉक्टर तुलसीराम कुमावत ने बताया कि कक्षा 8 से छात्रा पुण्य सलीला टेलर, पिता डॉक्टर विकास टेलर ने वर्टिकल हाइड्रोपोनिक से फसल उत्पादन, कक्षा 9 से छात्र लक्ष्य पुत्र विजय मेवाड़ा ने वर्षा के दिनों में बिजली के झटकों से होने वाली असामाजिक मौत से बचाव के लिए तथा कुशाग्र सिंह पिता देवेंद्र सिंह तवर ने जल प्रबंधन और जल संचय पर अपने मॉडल प्रस्तुत किए। प्रभारी रसायन व्याख्याता राकेश चौधरी के निर्देशन में मॉडल बनाए गए 3 बाल वैज्ञानिकों को भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक शोध एवं ज्ञान बढ़ाने को लेकर इंस्पायर अवार्ड के तहत ₹10,000 प्रोत्साहन राशि व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए तथा जिला प्रदर्शनी के लिए मॉडल का भी चयन किया गया। I make a model which is based on vertical hydroponics. Keeping an eye on the increasing population of the world, this project is based on land conservation and sustainable development. It is soil-free farming. By using this model, we can obtain high production in low area and it will help to reduce soil and water pollution. And a proper use of nutrition can be guaranteed. In this project, rainwater harvesting and aquaculture is possible that can help farmers to upgrade their economic conditions. प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की 190वीं जयंती की पूर्व संध्या पर माली समाज महिला मंडल व नवयुवक मंडल महिला आश्रम मालीखेड़ा के संयुक्त तत्वावधान में माता सावित्रीबाई फुले चौराहे पर तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए।
माली सैनी समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि 19वीं सदी में स्त्रियों के अधिकारों, अशिक्षा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल तथा विधवा विवाह जैसी कुरीतियों पर आवाज उठाने वाली महाराष्ट्र में जन्मी प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने अपने पति दलित चिंतक पिछड़ों के मसीहा महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले से पढ़कर सामाजिक चेतना फैलाई। उन्होंने अंधविश्वास और रूढ़ियों की बेड़ियां तोड़ने के लिए लंबा संघर्ष किया, कुरीतियों को मिटाते हुए देश में बालिका शिक्षा की शुरुआत की। ऐसी महान महिला के जन्मदिन पर नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इनके जन्मदिन 3 जनवरी को राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा महिला शिक्षिका दिवस घोषित करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार से महात्मा ज्योतिबा फूले व माता सावित्रीबाई फूले को संयुक्त रूप से देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की भी मांग की गई। माली महिला मंडल शिक्षा प्रभारी व कार्यक्रम प्रभारी देवकी माली ने बताया कि प्रदेश सचिव दिनेश कुमार माली, जिला सचिव राजकुमार माली, मंडल अध्यक्ष सुमित माली, राजेंद्र कच्छावा, छोटू माली, संरक्षक बाबूलाल सहित कई लोगों ने द्वीप प्रज्वलित कर नमन किया। माँ शांति बैठे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, जीवन में शिक्षा का एक बहुत बड़ा महत्व होता है और प्रकृति ने जितनी भी संपन्नताएं हैं उसको शिक्षा के माध्यम से ही समाज के लिए उपयोगी बनाने के लिए एक विचार दिया है। और प्राचीन समय में जब शिक्षा की बहुत कमी थी और अभाव था, उस समय में ज्योतिबा फुले जिन्होंने अपनी पत्नी यानी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया, और उस समय की कंडीशन इस प्रकार की थी कि किसी भी महिला को शिक्षा देना एक तरह से पाप माना जाता था, लेकिन इनके जीवन में एक प्रकार का उन्होंने संकल्प ले लिया ज्योतिबा ने कि मुझे महिलाओं और कन्याओं की शिक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करना है। इसलिए कोई भी महिला तैयार नहीं हुई, उन्होंने जब पाठशाला प्रारंभ की तो कोई भी महिला तैयार नहीं हुई, तो अपनी पत्नी को इसके लिए तैयार किया। और जब वो शिक्षा देने के लिए पाठशाला में जाती थी तो लोग उन पर जो है कचरा फेंकते थे, कभी उनकी साड़ियां गंदी हो जाती थी, वो साथ में अपनी साड़ी ले जाती थी और वहां जाकर के दूसरी साड़ी बदल करके और शिक्षा प्रदान करने का कार्य जो है प्रारंभ किया। इस प्रकार से विश्व की यूं कहें तो इस प्रकार के अभावग्रस्त क्षेत्र में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रथम शिक्षिका जो कहलाने वाली है वो सावित्रीबाई फुले हैं, और सावित्रीबाई फुले के कारण ही आज महिलाओं की जो सशक्त और प्रतिभाएं दिखाई देती है उस शिक्षा के कारण से ऐसा संभव हुआ है। इतनी भी महिलाएं हैं क्योंकि जब महिला शिक्षा प्राप्त करती है तो एक परिवार नहीं, उसका यानी पियर भी तरता है और उसके साथ साथ उसका जो है ससुराल भी तरता है। इसलिए महिला की शिक्षा को एक गौरवान्वित सम्मान मिलना चाहिए। 28 दिसंबर से लेकर के और आज 3 जनवरी तक लगातार जो है किसी न किसी प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, उसमें सेवा कार्य भी सम्मिलित है, सफाई के कार्यक्रम है, चाहे मास्क वितरण है, चाहे सैनिटाइजेशन का काम हो, चाहे पौधारोपण हो, इस प्रकार से प्राकृतिक रूप से संवर्धन और समाज को उठाव के लिए शिक्षा का जो स्तर बढ़ने के लिए हर प्रकार के प्रकल्प जो है वो चलाए जा रहे हैं। समाज के लिए और महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा गौरव का दिन है। सावित्रीबाई फुले जिन्होंने शिक्षा के लिए अथक प्रयास किए, उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा और लोगों की सेवा में ही बिता दिया। आज 3 जनवरी, आज ही के दिन 3 जनवरी 1831 के दिन उनका जन्म हुआ, और जब उन्होंने जब प्लेग की महामारी फैल गई थी तब उन्होंने जन जन घर घर जाके और लोगों की सेवा की, और उसी बीमारी के प्लेग की बीमारी में ग्रसित होकर वो उनका देहांत हो गया था। कि सावित्रीबाई फुले ने बहुत ही नारी की शिक्षा के लिए बहुत महत्व दिया, उनके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी। दुनिया ने जब से नारी को सम्मान दिया है तब से नारी ने अपनी
अपनी हिम्मत को पहचान लिया है। दुनिया ने जब से नारी को सम्मान दिया है, नारी ने तब से अपनी हिम्मत को पहचान लिया है। प्रदेश में कोरोना महामारी के साथ अब बर्ड फ्लू महामारी भी फैल रही है, जिससे प्रदेश में कई जगह सैकड़ों कौवों की मौत हो चुकी है। और इस महामारी को देखते हुए भिलवाड़ा जिले में स्थित गुड़ला तालाब, चावंडिया तालाब सहित अन्य जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही टीम निगरानी के लिए भी लगा दी गई है, जिससे हर स्थिति से निपटा जा सके। उप वन संरक्षक डीपी जागावत ने लोकवाणी पर हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली से विशेष बातचीत में बताया कि पक्षियों में फैल रही बीमारी के चलते सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार भिलवाड़ा जिले में भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिससे पक्षियों में फैल रही बीमारी से निपटा जा सके। वन विभाग में तैनात कर्मचारियों की टीम गठित कर दी गई है, जो तालाबों की निगरानी रखेंगे और यदि किसी भी पक्षी की मौत होती है तो तुरंत सूचित करेंगे, जिससे इस बीमारी का आकलन कर काबू पाया जा सके। हालांकि इससे पहले भी वन विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित किया जा चुका है और पशुपालन विभाग के साथ मिलकर बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए कार्य किया जा रहा है। जिले में अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही जिले के कई जलाशयों में दिसंबर महीने में साइबेरिया सहित कई देशों के पक्षी यहां आते हैं, जो मार्च महीने के शुरू में वापस अपने देशों को लौट जाते हैं। वन विभाग इनको लेकर भी अलर्ट है और जगह जगह टीम गठित कर मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी जगह पक्षियों पर निगरानी रखी जा रही है। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद राय तेली की ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में फैल रही बर्ड फ्लू की बीमारी को लेकर वन विभाग पूरी तरह से चिंतित है और सतर्क भी है। भिलवाड़ा का जो वन क्षेत्र है, यह भी काफी भूभाग में फैला हुआ है और भिलवाड़ा अगर जिले की बात करें तो यहां पर भी बहुत सारे विदेशी पक्षियों का यहां पर सर्दियों में डेरा रहता है, जिसमें गुल्ला तालाब हो गया, चावंडिया तालाब है और भी बहुत सी जगह जहां ये विदेशी पक्षी सर्दी के अंदर अपना डेरा जमाए रहते हैं। अभी हम आए हैं भिलवाड़ा जिले के उप वन संरक्षक डीपी जाधव साहब के पास, इनसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार इन्होंने बर्ड फ्लू से निपटने की तैयारी कर रखी है और या अभी तक भिलवाड़ा जिले में ऐसा कोई केस इनको सामने देखने को मिला है। जी सर, पूरे राजस्थान में बर्ड फ्लू फैल रहा है, क्या भिलवाड़ा की स्थिति है और अपने विभागीय तौर पर क्या तैयारी कर रखी है? विभागीय तौर पर वैसे हम पिछले 5-6 दिन से स्पेशल गश्त कर रहे हैं और स्टाफ इस समय पूरे फील्ड में सुबह और शाम गश्त कर रहा है। तो अभी जो गश्त चल रही है उसमें वन्य जीवों के साथ साथ पक्षियों से संबंधित गश्त भी चल रही है, जो वाटर बॉडीज़ हैं। मैं आपको बताऊं कि भीलवाड़ा जिले में लगभग 2000 वाटर बॉडीज़ मेरी जानकारी में, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, और प्रवासी पक्षी बहुत आते हैं भीलवाड़ा में। तो इस दृष्टि से पूरी की पूरी हमारी तैयारी है, लेकिन ये वायरस से फैलता है इन्फ्लुएंजा, तो इसमें वायरस से फैलने के बाद में इसमें पक्षियों की मोर्टिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसा कोई प्रकरण सामने आता है तो स्टाफ से पूरी तरह से पाबंद है कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे और उसके बाद में हम पशुपालन विभाग के साथ में इसके साथ कार्यवाही करेंगे। सर, अभी ऐसा कोई भिलवाड़ा जिले में ऐसा कोई मामला देखने में आया क्या? सर, सुबह 11 बजे मैंने सभी मेरे क्षेत्रीय वन अधिकारियों से रिपोर्ट ली थी, उनकी नज़र में अभी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। अब कोई सामने आएगा तो निश्चित रूप से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गश्त और मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग कहाँ कहाँ आपने अभी करवा ली है? अभी वैसे तो सभी रेंजों में हमारी गश्त चल रही है, स्पेशली जैसे अभी लड़की बांध है, इसके अलावा चावंडिया तालाब है, गुड़ला तालाब है, जो बड़ी वाटर बॉडीज हैं उसके आसपास वन क्षेत्रों में भी और वाटर बॉडीज पर भी हमारी गश्त चल रही है लगातार। तैयारियों के हिसाब से अगर बात करें तो इस बर्ड फ्लू की तैयारियों को लेकर आपने क्या एडवांस में तैयारी कर रखी है? अभी हमने पशुपालन विभाग के मैंने डायरेक्टर से भी बात की है, तो यहाँ जो शायद डिप्टी डायरेक्टर बैठते हैं जो बिलाल अहमद जी, तो उनसे मेरी बात हुई है। तो अगर ऐसी कोई घटना सामने आती है तो उसका हम सैंपल लेंगे, सैंपल लेके जो भोपाल में प्रयोगशाला है वहाँ सैंपल हम भेज के और उनसे पुख्ता जानकारी ले सकते हैं कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस है या कोई और चीज़ है, तो इस संबंध में हम निश्चित रूप से कार्यवाही करने में सक्षम हैं। मुख्यतः भी जैसे कौवे हुए, कबूतर और जो दूसरे जो पक्षी हैं, इसके साथ ही अगर सर अगर मुर्गी पालन की अगर हम बात करें, पोल्ट्री फार्म है, तो उसमें भी क्या मॉनिटरिंग करवा रहे हैं आप? मुर्गी पालन का बेसिकली हमारा कार्य वन विभाग का नहीं है, लेकिन ये पशुपालन विभाग का कार्य है, लेकिन निश्चित रूप से पशुपालन विभाग ये इस कार्य कर रहा होगा मेरी जानकारी में तो। लेकिन जहाँ पर जैसे बर्ड आते हैं, जो प्रवासी पक्षी आते हैं, जो वाटर बॉडीज पर आते हैं, तो उसमें डक्स वगैरह हैं, तो उनका तो निश्चित रूप से वन विभाग ध्यान रखेगा।
तो ये बहुत ही सुखद बात है कि भीलवाड़ा में अभी ऐसे जो बर्ड फ्लू के लक्षण पक्षों में देखने को नहीं मिले हैं, और हम भी अपने लोकवाणी चैनल के माध्यम से आमजन से भी अपील करना चाहते हैं कि अगर ऐसा कोई मामला अगर सामने आए तो कृपया वन विभाग को सूचित करें ताकि समय रहते इन पक्षियों की जान बचाई जा सके। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। जिले में सर्दी का कहर लगातार जारी है, मनुष्य तो ठीक इससे पशु पक्षी भी प्रभावित हो रहे हैं। पशुओं को भी सर्दी से बचाव की खास जरूरत है, वरना उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसे लेकर वेटरनरी डॉक्टर महेश कास्ट ने बताया कि जानवरों को बांधने के स्थान पर ठंडे पानी का छिड़काव नहीं करना चाहिए, पशुओं को कपड़ों से ढकना चाहिए। इसे लेकर विस्तृत जानकारी भी पशुपालन विभाग ने जारी कर दी है। उधर से लो आप, ये क्या लगे हैं? सर्दी के मौसम में जानवरों को सर्दी से बचाना बहुत जरूरी है। इनके लिए कपड़े वगैरह जहाँ जितना भी ठंडी हवाओं से बचाया जा सके बचाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। पानी में ज़्यादा न जाए जानवर, पानी ज़्यादा न छिटके, बार बार ना हिलाए, और जानवरों को हवा एक साइड से बिल्कुल ना आए, और पर्दे वगैरह लगाए तो बहुत ही अच्छा होगा। हमने दर्शकों से आग्रह किया था कि वो लोकवाणी ऐप डाउनलोड करें और ऐप के साथ अपनी फोटो लेकर हमें भेजें ताकि हम उन दर्शकों की फोटो लोकवाणी टीवी और ऐप पर दिखा सकें। ब्रेक पर जाने से पहले लोकवाणी उन दर्शकों का अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करता है जिन्होंने लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर हमें उनकी सेल्फी भेजी है। आज इस कड़ी में हम दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ जागरूक दर्शकों की तस्वीरें जो हमें प्राप्त हुई है, जिसमें जहाजपुर भिलवाड़ा से बाबूलाल ग्वाल, दीपक सैनी, मयंक माली, निर्मल सैनी और विकास सैनी ने अपनी सेल्फी हमें भेजी है। लोकवाणी इन सभी दर्शकों की सराहना करता है। आप भी लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर अपनी तस्वीरें हम तक भेज सकते हैं। सेल्फी लेकर अपनी फोटो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 9587893923। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। बिटिया की शादी है विवाह पैकेज हमसे खरीदें। बिटिया की शादी संबंध है सभी सामान, घर के लिए फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, स्टील, पीतल एवं तांबे के बर्तन, जेंट्स ड्रेस मटेरियल, बारातियों को देने के गिफ्ट आइटम होलसेल रेट में उपलब्ध। मात्र 61,000 में पलंग, सोफा सेट, अलमारी, 24 इंच LED, फ्रिज, होम थिएटर, कूलर, सिलाई मशीन, ड्रेसिंग टेबल, टी टेबल सहित कुल 21 आइटम उपलब्ध हैं। माल पहुंचाने का माल भाड़ा 200 किलोमीटर तक फ्री। अभी खरीदें, योजना केवल 31 दिसंबर तक। अन्य आकर्षक पैकेज 45,000 से 1,00,000 रुपए तक उपलब्ध हैं। विवाह पैकेज सबसे पहले पूरे राजस्थान में हमने शुरू किया भीलवाड़ा से। आज की तारीख में राजस्थान के हर शहर में, हर तहसील हेडक्वार्टर पर लोगों ने उसकी कॉपी करी है। हमने अपना एक बढ़िया प्रोडक्शन खुद बनाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान हम डायरेक्ट कंपनियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं बड़े लेवल पे, उनसे डायरेक्ट परचेज करते हैं, तो बीच का जो प्रॉफिट बढ़ता है वो खत्म हो जाता है, सीधा हमें सस्ता मिल जाता है, हम भी ग्राहक को वापस सस्ता दे देते हैं। गुरु कृपा विवाह पैकेज G1205 रिको चतुर्थ फेस, आवरी माता मंदिर के पास, गंगापुर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829773173, 9829196696। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Family.
रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच, स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती पर कोविड 19 के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 3 अक्टूबर से जिले में जन आंदोलन की शुरुआत की। जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते के निर्देशन में शहर में जोन वार और वार्ड वार कमेटियां बनाई गई। कमेटियों में सरकारी कार्मिकों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा गया। साप्ताहिक कार्यक्रम तय हुए। हर कार्यक्रम के साथ शहरवासी इस आंदोलन से जुड़ते गए। प्रभारी मंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। हर रविवार रैलियों का आयोजन हुआ। घर घर स्टिकर चिपकाए गए, वाहनों पर स्टिकर चिपकाए गए, पैम्पलेट बांटे गए, चौराहों पर रोको और टोको कार्यक्रम चलाए गए। जागरूकता की हर संभव कोशिश की गई। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन में आम जनता, जनप्रतिनिधि, एनजीओज, नगरपालिका परिषद तथा शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के कर्मचारी अपनी भूमिका अच्छी निभा रहे हैं। उसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ये सब परिणाम आप सब लोगों के सहयोग से और मेहनत के नतीजे हैं। और अंतिम में कोशिशें रंग लाई और देखते ही देखते शहर वासियों ने कोरोना के खिलाफ मास्क को अपना हथियार बना लिया। अब संक्रमण की गति में कमी आई है। प्रत्येक शहरवासी को इस सफलता का श्रेय जाता है। लेकिन संक्रमण अभी रुका नहीं है। हमें ये जज्बा आगे भी बरकरार रखना है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, उसकी वैक्सीन अभी नहीं आई है। इसलिए हम सबको आने वाले मौसमी बीमारियों का समय देखते हुए ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए इस जन आंदोलन को जारी रखें और सभी को मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करें। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वह सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर से जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृत संकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ YouTube चैनल, Facebook और lokwani.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप। इस लोगो के साथ वेलकम टू मालू हॉस्पिटल, भीलवाड़ा बेस्ट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट हॉस्पिटल। मेडिकल स्टोर विद 24/7 अवेलेबिलिटी, हाईटेक एक्सरे इक्विपमेंट्स, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आईसीयू विद हाई फैसिलिटी, कंप्यूटराइज्ड लेबोरेटरी, वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर, Highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of Mailashram college, Vijay Singh Pathak Nagar, Bhilwara. निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिसर भीलवाड़ा में। हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान
ओटी नेत्र वार्ड एमजीएच परिसर भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निःशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। जहां कुछ साल पहले भीलवाड़ा में वाटर ट्रेन के माध्यम से पीने का पानी लाना पड़ रहा था, वह चंबल की पाइपलाइन आने के बाद पानी की बर्बादी के नजारे आम बात हो गई है। ऐसा ही नजारा हमें पटेल नगर में मीरा सर्किल के पास देखने को मिला, जहां चंबल की पाइपलाइन के वाल्व से हजारों लीटर पानी बहता मिला। क्षेत्रवासियों ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि एक ओर शहर के कई क्षेत्रों में पानी के लिए परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर शहर में कई जगह लाखों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है। साथ ही यहां पर लापरवाही का दूसरा नमूना भी देखने को मिला, जहां 20 सड़क पर लगे वॉल्व के कारण हादसों का अंदेशा बना हुआ है। आप मेरे पीछे जो नजारा देख रहे हैं, ये किसी सर्विस सेंटर का नहीं है, बल्कि मीरा पटेल नगर के अंदर मीरा सर्कल के पास बने हुए चंबल की पाइपलाइन के खुले वाल का है। यह हम देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से इस प्रकार यहाँ पर यह पानी की बर्बादी हो रही है और क्षेत्रवासी यहाँ पर अपने वाहनों की धुलाई कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये जो वाल बना है पूरी तरह से खतरनाक है, क्योंकि 20 सड़क में इसको बनाया गया है। यहाँ पर जहाँ यातायात का पूरा प्रभाव रहता है और रात दिन यहाँ पर वाहन चालक गुजरते हैं, जिससे आए दिन यहाँ पर क्षेत्रवासियों ने बताया कि दुर्घटनाएं हो रही है। और ऊपर से अभी पिछले 4-5 दिन से लगातार ये यहाँ पर हजारों लीटर पानी की यहाँ बर्बादी हो रही है, लेकिन जो संबंधित विभाग है यहाँ आकर देखने की जहमत नहीं उठा रहे। हमारे साथ मौजूद एक क्षेत्रवासी, इनसे जानना चाहते हैं कि कितने दिन से ये हो रहा है और इस बारे में क्या इन्होंने किसी को अवगत कराया। जी सर बताएं, कब से निकल रहा है पानी और इस बारे में किसी को अवगत कराया आपने? ये 3-4 दिन से पानी बह रहा है और इसके अलावा भी पहले भी हम इस वाल के बारे में हम 3-4 बार वाटर वर्क्स के अंदर शिकायत कर चुके हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि आप तो कलेक्टर के पास जाओ, नेता लोगों के पास में जाओ, जिनको वोट देते हो उनके पास जाओ, हमारे पास क्यों आ रहे हैं? हम तो अफसर हैं, हम तो जनता के पैसे की तनख्वाह उठा रहे हैं, हमारी तनख्वाह वैसे भी आएगी। तुम कहीं पे भी चले जाओगे हमारी तनख्वाह हमें मिलेगी। क्षेत्रवासी प्यास से मरे चाहे यहाँ एक्सीडेंट में मरे, हमारे कोई लेना देना नहीं है। जबकि आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट के 2-3 डेथ भी हो चुकी है और पानी 3 दिन से 4 दिन से व्यर्थ बह रहा है। इसके लिए वाटर कमीशन कह क्या है, और बहुत सारी कॉलोनी के अंदर पानी भी नहीं भी है, तो उनके लिए यही बोलते हैं नहीं आ रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जाओ नेता लोगों के पास जाओ, जिनके वोट देते हैं उनके पास जाओ, अफसर लोगों के पास जाओ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। कलेक्टर के पास जाओ, तुम तो कलेक्टर कर देगा जो भी करना हो, जो कलेक्टर के ऊपर डोली सभी चीजें। और हम जिला कलेक्टर महोदय से अनुरोध करते हैं कि ऐसे अफसरों के खिलाफ वो कार्रवाई करें और वाटर वर्क्स के अंदर थोड़ा ध्यान दें। जिला कलेक्टर महोदय जी बिल्कुल, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से लापरवाही सामने दिख रही है। क्षेत्रवासी बता रहे हैं कि विगत 4-5 दिन से लगातार रात दिन यहाँ पर हजारों लीटर पानी की यहाँ बर्बादी हो रही है, वहीं दूसरी ओर जो संबंधित विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही 20 सड़क पर बने हुए इस वाल की वजह से यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है और आए दिन यहाँ दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। भीलवाड़ा नगर परिषद चुनाव को लेकर बीएलओ मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के नाम जोड़ रहे हैं। 1 जनवरी को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट से जुड़वा रहे हैं। इसके साथ ही सोमवार शाम तक बीएलओ को मतदाता अपना नाम जुड़वाने के लिए दे सकता है। वार्ड नंबर 44 में लगे शिविर के सुपरवाइजर वीरेंद्र चतुर्वेदी ने कहा कि राज्य सरकार के अनुसार 1 जनवरी तक 18 साल की उम्र वाले मतदाताओं का नाम हम सूची में जोड़ रहे हैं, जिससे कि आगामी नगर परिषद चुनाव में वह अपने मत का प्रयोग कर सके।
राज्य निर्वाचन आयोग की मंशानुसार 1 जनवरी 2021 को जो पात्र मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उनके नगर परिषद निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। जो पात्र व्यक्ति हैं उनसे आवेदन पत्र हम सभी बीएलओ भाइयों के द्वारा लिए जा रहे हैं। सर कब तक चलेगा ये? ये कार्यक्रम आज शाम को 4 बजे तक है और पात्र व्यक्ति कल भी व्यक्ति से बीएलओ को जमा करा सकते हैं कल शाम को 6 बजे। भीलवाड़ा में रविवार को 33 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि रविवार को 33 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 11,208 पहुंच चुका है। जिले में अब तक 9,000 रोगी संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और 194 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। डॉक्टर घनश्याम चावला ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही वैक्सीन है, अतः मास्क लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। रविवार को संपूर्ण भारत में प्रातः 9 बजे से रात 9 बजे तक 16 भाषाओं में सहज योग आत्म साक्षात्कार का प्रोग्राम प्रसारित किया गया। इस संदर्भ में सहज योग ध्यान केंद्र संगीत कला केंद्र भीलवाड़ा पर परम पूजनीय माता निर्मला देवी की अनुकंपा से रविवार को प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक हिंदी भाषा में आत्म साक्षात्कार का प्रोग्राम टीवी पर प्रसारित हुआ। नए साधकों ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर निर्विचारिता की अनुभूति प्राप्त की। साथ ही सेंटर संचालक सोहन लोट ने बताया कि कोरोना काल के चलते माता निर्मला देवी के द्वारा साधकों को आत्म साक्षात्कार कराया गया। सहज योग ध्यान पद्धति से मानसिक शांति का अनुभव, दैनिक जीवन में नियमित सहज ध्यान करने से शारीरिक मानसिक रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। एक बात आपसे निवेदन के तौर पे मैं करना चाहूंगा कि बीज को तो माने रोक दिया लेकिन बीज से पौधा बनना और आगे की बड़े होने की प्रक्रिया के लिए उसको नियमित रूप से जल देना, खाद देना, सुरक्षा करना जरूरी है। जब जाके एक बीज प्रदर्शित होता है, प्रस्फुटित होता है और नियमित ध्यान मारना से नियमित रूप से सुबह शाम 10 मिनट सूर्य 10 मिनट शाम को ध्यान करके हम इस बीज को प्रदर्शित कर सकते हैं। सूचना दी उनसे जो से आप ध्यान की पद्धतियों को आप सीखें। बहुत सहज योग आज का महायोग संपूर्ण भारत में 16 भाषाओं में आत्म साक्षात्कार का प्रोग्राम प्रसारित किया जा रहा है आज 3 जनवरी रविवार के दिन, जिसमें पहला सेशन संस्कृत भाषा में, दूसरा सेशन हिंदी भाषा में। भीलवाड़ा शहर में 3 दिन से प्रचार प्रसार किया गया और सभी को घर बैठे आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की तकनीक आज हिंदी में बताई गई और शाम तक 9 बजे रात तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी विभिन्न 16 भाषाओं में। अपनी सुविधा अनुसार भाषा चयन करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। आज प्रातः भीलवाड़ा केंद्र संगीत कला केंद्र पर साधकों का शुभारंभ हुआ 9:30 बजे से और टीवी सेट पर यहां आत्म साक्षात्कार का प्रोग्राम प्रसारित हुआ, जिसमें कई साधक पधारे और उसका लाभ उठाया। स्वतः जो प्रक्रियाएं बताएंगी वह की गई। अच्छे योग से मेरे को बहुत शांति प्राप्त हुई है। तब से कर रहे हैं? आज स्टार्ट किया मैंने आज से ओम प्रकाश पोखटा। योग से बहुत शांति प्राप्त हुई है, अच्छा लगा, मन में शांति हुई। क्या नाम आपका? पूजा लक्ष्मी। हाँ तो बताइए आपको सहज योग से। मुझे सहज योग में 17 साल हो गए हैं। हमें श्री माता जी से बहुत ही अनुभूतियाँ प्राप्त हुई है। हम अपने आप में बहुत शांति महसूस करते हैं और ध्यान करने से हमारे शरीर की सभी बीमारियां दूर होती है। मेरा नाम ममता वर्मा है। सहयोग आज का महायोग, मैं चंद्रशेखर आजाद नगर में सेकेंडरी स्कूल में एचएम हूँ। मैं 2007 से ही है सहयोग कर रहा हूँ। मुझे स्वास्थ्य लाभ मिला है, मेरे परिवार में सुख शांति आई है, बच्चे उन्नति पर है
ये सारा मुझे सहयोग से मिला है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सहयोग मानव में पूरा परिवर्तन करता है। मानव जाति के उन्नति के लिए ही बना है और माँ ने यह जो दिया है उसको प्राप्त करें और अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करें, मोक्ष प्राप्त करें, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, इसे प्राप्त करें। आपका नाम? भंवरलाल विश्वकर्मा, प्रधान। रविवार को रणथवर राजपूत संगठन की मीटिंग स्वामी अनंतानंद आश्रम के प्रांगण में रखी गई, जिसमें नववर्ष स्नेह मिलन कार्यक्रम किया गया। समाज में व्याप्त कुरीतियों पर शिक्षा पर विचार विमर्श किया गया। संरक्षक रघुवीर सिंह भाटी, लादू सिंह चौहान, ओम सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मीटिंग में राजू सिंह गोजा, सुभाष सिंह, हनुमान सिंह, यशराज सिंह, योगेंद्र सिंह, दुर्गेश सिंह, राम सिंह, परमेश्वर सिंह, नितिन सिंह आदि गणमान्य मौजूद थे। मंच का संचालन जिला सचिव मनीष सिंह पवार व उपाध्यक्ष बलवत सिंह सोनगरा द्वारा किया गया तथा मंच का समापन जिला कोषाध्यक्ष नारायण सिंह पड़ियार व संगठन मंत्री मुकेश सिंह पवार ने किया। भाजपा कमल पट्टिका का कार्यक्रम 5 स्थानों पर संपन्न हुआ। आने वाले नगर परिषद नगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा पूर्ण रूप से सक्रिय है। भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी शास्त्री नगर मंडल में 5 मंडल पदाधिकारियों के निवास स्थान पर भाजपा जिला अध्यक्ष राधोलाल तेली के मुख्य आतिथ्य में सांसद सुभाष भेड़िया के सानिध्य में शास्त्री नगर मंडल अध्यक्ष किशोर सोनी की उपस्थिति में मंडल महामंत्री सुनीता कटारिया, उपाध्यक्ष सीमा सोनी, मंत्री इंदु बंसल, मंत्री विजय सिंह पवार, कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा के निवास पर कमल पट्टिका का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में भाजपा जिला अध्यक्ष राधोलाल तेली ने कहा, गरीब किसान मजदूर सहित हर वर्ग के व्यक्ति कांग्रेस राज में बहुत ही परेशान है। सरकार की कुनीतियां ऐसी है कि आम आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कांग्रेस सरकार के प्रति आम जनता का भयंकर आक्रोश है। आने वाले नगर पालिका व नगर परिषद के चुनाव में जनता भाजपा के साथ है, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप और हम सब मिलकर के सभी जगह नगर पालिका परिषद बोर्ड स्थापित करेंगे। सांसद सुभाष भेड़िया ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को लेकर के चल रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी से भारत को उन्होंने सुरक्षित निकाला है। बहुत ही जल्दी कोरोना के वैक्सीन हम सभी को यहां उपलब्ध होने वाली है। कोरोना से आप और हम डरे नहीं, उसकी सावधानी रखते हुए कार्य करना है। इस कार्यक्रम में भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डाड, नगर परिषद पूर्व सभापति मंजू चेचाणी, प्रदेश कार्य समिति तुलसीराम शर्मा, भाजपा वरिष्ठ नेता रामलाल योगी, भवानी शंकर दुदानी, भाजपा जिला महामंत्री बाबूलाल टांग, जिला उपाध्यक्ष कैलाश चिनकर, ज्योति आशीर्वाद, जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी आदि मौजूद थे। 2021 के पहले रविवार को टंकी के बालाजी मोक्ष धाम में माया मोक्ष आत्म शांति परिवार की तरफ से दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु हरि कीर्तन संपन्न हुआ। इसमें उमराव कमल, सत्यनारायण पाल, नरेंद्र शर्मा, भवानी शंकर, विनोद व्यास, अनिल व्यास, देव किशन, जाकिर हुसैन, पवन शंकर, अर्जुन और चंपालाल उपस्थित थे। उन्होंने अपने अपने भजनों के द्वारा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान की और कालरा दीदी की अद्भुत शुरुआत का 2021 का कीर्तन भक्तिपूर्ण संपन्न हुआ। सवाईपुर कस्बे सहित आसपास के गांवों में पिछले 3 दिनों से आसमान में बादल छाए रहने से ठिठुरन बढ़ी हुई है। सुबह से ही क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है। जैसे जैसे सूरज चढ़ा वैसे वैसे कोहरा घना होता गया। कोहरे की वजह से हाईवे पर वाहन चालक हेडलाइट जलाकर गुजरते नजर आए। ग्रामीण जगह जगह अलाव जलाकर ठंड से मोर्चा लेते दिखे। सुबह से सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। बिजोलिया क्षेत्र में समाज सेवी स्वर्गीय डॉक्टर देवेंद्र मेवाड़ा की सप्तम पुण्यतिथि पर डॉक्टर देवेंद्र मेवाड़ा मेमोरियल संस्थान द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को नटराज हॉस्पिटल में किया गया। कांकेर फिल्म जो कि एक राजवीर नाम के फौजी की कहानी है, छत्तीसगढ़ के नक्सलवादी क्षेत्र कांकेर जंगल में होली की रात उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। अनुराग ने इस फिल्म में विवेक का रोल किया है जो कि एक वामपंथी विचारधारा का व्यक्ति है। अनुराग राठौड़ जो कि मूलतः भिलवाड़ा से हैं, पिछले 5 वर्षों से थिएटर में सक्रिय हैं। अभी भिलवाड़ा थिएटर में रंग कर्म कर रहे हैं। इस फिल्म का लेखन भी अनुराग ने किया है और जयपुर में इसे शूट किया गया है।
यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर और हंगामा प्ले पर रिलीज हुई है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।